हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी इंडियन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सैमसंग E1200Y में नेटवर्क प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे फ़ोन में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले MI नंबर चेक कर लेते हैं। तो MI नंबर यहाँ पर एकदम क्लियर है। तो सबसे पहले हम इसमें नेटवर्क सर्च करके देख लेते हैं कि नेटवर्क आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेटवर्क फेल हो गए हैं और इसमें नेटवर्क जो है वो क्रॉस का निशान बन के आ रहा है। तो सबसे पहले हम अपने फ़ोन को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, हमारे फ़ोन में जब नेटवर्क क्रॉस बनकर आता है तो ये ज़्यादातर नेटवर्क जो है वो क्रिस्टल की वजह से आते हैं, जिससे नेटवर्क आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, इससे आपके फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इस क्रिस्टल को रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद इसी दूसरे प्लेट से ये क्रिस्टल निकालेंगे और इसमें लगाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ से हमने ये क्रिस्टल रिमूव कर दिया है। तो चलिए अब हम दूसरा नया क्रिस्टल लगा कर देख लेते हैं कि हमारे फ़ोन में नेटवर्क आ रहे हैं या फिर नहीं। दोस्तों, क्रिस्टल लगाते टाइम एक बात और ध्यान में रखना है कि हीट ज़्यादा ना दें, क्योंकि जो आसपास IC लगी हुई हैं कंपोनेंट्स वो रिमूव हो जाएंगे। तो क्रिस्टल लगाने के बाद दोस्तों, इसे हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद इसे थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे और उसके बाद हम अपने फ़ोन को चेक करके देख लेते हैं कि हमारे फ़ोन में नेटवर्क आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। अगर वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपने फ़ोन को ओपन खोल के देख लेते हैं कि इसमें नेटवर्क आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। तुम्हारा फ़ोन ऑन हो चुका है और ये देखिए दोस्तों, क्रिस्टल चेंज करते ही हमारे फ़ोन में फुल नेटवर्क आ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें एयरटेल की सिम भी पड़ी हुई है और यहाँ पर नेटवर्क भी फुल आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप सैमसंग E1200Y के नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें और प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।